नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। संयुक्त महासंघ ने निर्णय लिया है कि अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन जारी किया गया है, जिसकी समस्त विभागों, जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला आपूर्ति निगम अधिकारी को सूचना दी गई है एवं जेल बगीचा छिंदवाड़ा में पंडाल लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर पैक्स कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समिति के सदस्य द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया तथा निरंतर अपनी मांगों को लेकर प्रयास किया जा रहा है। समिति सदस्यों को कहना है कि जल्द मुख्यमंत्री हमारी मांगों को पूरा करे। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, बिन सहकार नहीं उद्धार, बिन सहकार नहीं उद्धार। ऐसा कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जेल बगीचा पंडाल छिंदवाड़ा में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक वेतन मान हमारी लागू नहीं होती है, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल लागू रहेगी। संतोष सरवंशी, ब्लॉक अध्यक्ष हो रहे। कर्मचारी विगत 16 अगस्त से अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर हम जेल बगीचा छिंदवाड़ा में हम अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि वह जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें। हमारी मांगें पूरी ना होने के कारण राशन वितरण प्रभावित हो रहा है, यूरिया खाद का वितरण नहीं हो पा रहा है एवं किसान और अन्य उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन से हम यही मांग करना चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम यही कहना चाहते हैं कि वह हम सहकारिता कर्मचारी को बुलाकर एक बार हम लोगों की महापंचायत बुलाए, एक बार वो हमसे मिले और हमारी समस्याओं को भी सुने, क्योंकि इतने अल्प वेतन में हमसे जो काम करवाया जा रहा है अब वो मुश्किल है, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन इतनी बढ़ते जा रही है कि जिससे अपना गुजर बसर कर पाना अब मुश्किल प्रतीत हो रहा है। तो हम शासन प्रशासन यही उम्मीद करते हैं कि वह जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निराकरण करें और जल्द से जल्द हमें भोपाल महापंचायत के लिए बुलाएं। 24 अगस्त को जो छिंदवाड़ा दौरा था सीएम साहब का, तो आपके द्वारा क्या मांग रखी गई थी? 24 तारीख को जो सीएम साहब का दौरा था उसमें हम लोगों ने हमारे अध्यक्ष महोदय श्री गोविंद ओपी जी द्वारा उन्हें ज्ञापन दिया गया और उनसे यही मांग की गई कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए और महापंचायत बुला जाए। तो सीएम साहब ने खुद ही बोले हैं कि हाँ, मैं जल्द से जल्द आपकी महापंचायत बुलाना चाहता हूँ। आपका परिचय? मैं शाहिद खान, विक्रेता सुरला थापा, हर रही।